एवरीवन, वेलकम बैक टू नैन्स क्लासेस एंड दिस इज नैन्श्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। और आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही डिफरेंट तरीके का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक जनरल सी प्लानिंग शेयर करना वाली हूँ, जो कि आपकी सुपर टेट की परीक्षा से रिलेटेड है। और ये प्लानिंग आपकी सुपर टेट की एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल साबित हो सकती है। अगर मैं प्लानिंग की बात करूँ तो आप सभी को पता है कि किसी भी कार्य की जो सफलता है वो प्लानिंग पर ही निर्भर करती है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी देन आउटकम ओबियस सी बात है कि बहुत ही अच्छा होगा आपका आउटकम। तो यही प्लानिंग आप सभी के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो प्लानिंग में आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, अगर आप इस एग्ज़ाम की नीड समझ गए तो आप आसानी से वो चीज़ कर ले जाएंगे। तो नीड को समझने के लिए आपको ज़रूरत होती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें। अभी तक आपका 2 बार सुपर टेट एग्ज़ाम हुआ है, तो आपके पास ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं तो आपको हैक्टिक लग सकता है। बट 2 ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बट बाहर से आप जो हैं बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर ऐसा आया है तो संभावना है आपकी कि आगे आपसे किस तरीके का पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी की है, मैं आपको अगेन कहूँगी, जैसे किसी भी ताले को खोलने के लिए की आपकी नेसेसरी होती है, वैसे ही आपकी एग्ज़ाम में एक कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, मैं सिर्फ सुपर टेट एग्ज़ाम नहीं कह रही, आप कोई सा भी एग्ज़ाम जो भी आप देना चाहते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए मस्ट है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको नीड समझ में आएगी कि इस एग्ज़ाम की नीड क्या है। तो आपको मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो आपका टेट का एग्ज़ाम है उससे डिफरेंट होता है आपका सुपर टेट, हल्का सा लेवल जो है आपका बढ़ा दिया जाता है, बट ये नहीं है कि बिल्कुल आपका अलग होता है। बिल्कुल संभावना है कि जो टेट में आपने क्वेश्चन पढ़े हैं वो आपके यहाँ पर भी आ सकते हैं, है ना। ये बिल्कुल नहीं आप कह सकते हैं कि आपका सब कुछ डिफरेंट है। मैं लेवल का कह सकती हूँ कि थोड़ा सा लेवल जो है क्वेश्चन का हाई हो जाता है, बट आपको पढ़ने वही चीज़ें हैं। CDP तो आपका बदल ली जाएगा कि आपका टेट के लिए कुछ और आपके सुपर टेट के लिए कुछ और CDP हो, तो आप यहाँ वहाँ से चीज़ें पढ़ के आ रहे हैं, है ना। आपने GSB पर्यावरण के लिए तो पढ़ी होगी, क्योंकि पर्यावरण में आपसे पर्यावरण के अलावा भी पॉलिटी भी पूछी जाती है, साइंस भी पूछी जाती है, तो आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ना वहाँ से। ठीक, तो आप जो चीज़ें वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं वही चीज़ें आपको यहाँ पर काम आने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से आपको यहाँ पर करना है, बस उन सब चीज़ों को आपको और इम्प्रूव करना है अपना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस एग्ज़ाम की नीड को समझना है, जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही समझ पाएंगे, और कोई आपके पास तरीका नहीं है। आप ये सोचिए कि कोई आपको ये समझा दे कि सब एग्ज़ाम की नीड क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना आपका समझा पाएगा जितना आप अपने खुद से समझ पाएंगे। मैं आपको अगेन कहूँगी, पहले आप इस एग्ज़ाम की नीड को समझिए। सेकेंड, आप क्या करिए कि जो आपका सिलेबस आयोग के द्वारा मेंशन किया गया है उसी सिलेबस को आप कवर करिए। 80% क्वेश्चन आप बिल्कुल लिख के ले लीजिए कि वही क्वेश्चन आते हैं जो आपका सिलेबस में मेंशन किए जाते हैं। बाकी 20% क्वेश्चन मैं ये बिल्कुल मान सकती हूँ कि बिल्कुल ऐसे आते हैं जिनका कोई आइडिया नहीं होता है, ना जो सिलेबस में मेंशन होते हैं, तो आप अपने एनर्जी जो है, मतलब अपनी 80% एनर्जी उस 20% में क्यों लगाएं? क्यों ना वो 80% एनर्जी आप अपने इस 80 जो आपके 80% क्वेश्चन बन रहे हैं सिलेबस से ही बन रहे हैं उस पे लगाएं। तो आप कोशिश ये करिए कि जो सिलेबस मेंशन किया गया है बस उसी पर टिकी रहिए। अब बात ये आती है कि पहले तो PNP के द्वारा पेपर करवाया जाता था सुपर टेट का, टेट का, बट अब क्या होगा, अब तो आपके आयोग ही चेंज हो गया है, तो अब क्या होगा। देखिए, सिलेबस आपका कितना भी चेंज हो जाए लेकिन परीक्षा का नेचर तो आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि सुपर टेट तो नहीं बदलने वाला है। अगर आपका चेंजमेंट होगा तो 1-2 टॉपिक आपके हो सकता है ऐड हो जाए, या फिर 1-2 टॉपिक हो सकता है आपके कम हो जाए, बट ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी सारी चीज़ें चेंज हो जाए, है ना। लेट्स सी, जैसे आप CDP उठाते हैं तो CDP में आप क्या करेंगे, हो सकता है 1-2 टॉपिक और दे दें, 1-2 टॉपिक कम कर दें, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा परिवर्तन किया है तो वो परीक्षा, फिर परीक्षा कहाँ रह जाएगी सुपर टेट की, फिर तो कुछ और ही बन जाएगा ना। तो ये चीज़ भी वो देखेंगे। मैं ये मान सकती कि थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आयोग के द्वारा हो सकता है, संभावना है, बिकॉज नया आयोग गठित हुआ है, नए विचार होंगे, नई चीज़ें जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, है ना। बट आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेबस वही रहने वाला है, 1-2 टॉपिक अगर ऐसा होता है तो मैं उस पर वर्क करवा दूंगी आपको। ठीक,
तो यहाँ पर आपने दूसरी चीज़ समझी कि आपको अपनी एनर्जी का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आपको कहाँ पर जो आपके सिलेबस मेंशन किया गया है उस पर करना है, मतलब 80% जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं पर करना है, बाकी 20% को थोड़ा सा आप जो है रुक जाइए। जब आपका 80% कवर हो जाता है तब आप उसके बाद क्या करें, उस 20% पर अपना ध्यान लगाएं, ठीक है। तो मैं यही करवाने वाली हूँ आप सभी को। अब मैं आपको सुपर टेट के लिए ही पढ़ाने वाली हूँ, तो उसमें मैं सबसे पहले जो है आपको इस एग्ज़ाम की नीड को समझाऊंगी। देखिए यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपसे क्यों पढ़ूँ, क्योंकि मेरे पास तो कई सारे ऑप्शन हैं, मैं खुद से भी पढ़ सकता हूँ। आप यकीनन खुद से पढ़ सकते हैं और सेल्फ स्टडी ही आपकी बेस्ट मानी जाती है, लेकिन जब आपको कोई गाइड करता है तो वो जो आप थॉर्नडाइक की बिल्ली की तरह अनवरत प्रयास करने वाले हैं वो प्रयास आपके बच जाएंगे। उन प्रयासों को फिर जो है आप क्या करेंगे, कोहलर के सुल्तान की तरह भांति व्यवहार करेंगे, वो मैं आपको करवा दूंगी। यहाँ पर मैं आप जो अलग अलग तरीके के एफर्ट डालेंगे उसमें आपका टाइम जाएगा, उसी टाइम को मैं सेव करवा सकती हूँ। बस मेरा रोल इतना ही प्ले होता है, मैं कोई टीचर भी नहीं हूँ, मैं कभी अपने आप को एक टीचर नहीं कहूँगी, आई एम ऑल्सो अ लर्नर, ठीक है। तो मैं आपको उसी तरीके से जो है यहाँ पर गाइड कर सकती हूँ जिस तरीके से आपको गाइड करना चाहिए मुझे, तो मैं बस एज अ गाइड आपका यहाँ पर काम करूँगी। तो मैं आपको वो नीड समझा दूंगी, एट द सेम टाइम मैंने अगर आपको सिलेबस की बात की है तो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी। पैट में कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ा है और उन्होंने उसके बाद शेयर भी किया है कि मैम जो आपने पढ़ाया था हमें पेपर में वही सारी चीज़ें मिली हैं, कुछ भी ऐसा हमें नहीं मिला है कि जो आपका एकदम आउट आया हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर आते हैं हम सब्जेक्ट्स पर आते हैं कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। दो चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको करना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद हम आते हैं कि CDP में जो है आपको मैं 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ाने वाली हूँ कि किस तरीके से जो है आपको मैं CDP पढ़ाऊँगी। तो पहला मैं आपको बाल मनोविज्ञान पढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं आपको शिक्षण कौशल पढ़ाऊँगी, और उसके बाद मैं वर्तमान भारतीय समाज ये आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन शुरुआत हमें बाल मनोविज्ञान से करनी है, बिकॉज बेस वही है। पहले आप बाल मनोविज्ञान को समझें, उसके बाद आप शिक्षण कौशल पर जाएंगे, क्योंकि शिक्षण कौशल में आपको विधियाँ प्रविधियाँ ये सिखाई जाती हैं जो आपको ये सिखाती हैं कि जब आप टीचर बन जाएंगे स्कूल में तो आपको किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना होगा। कई सारे वहाँ पर मेथड्स आप सीखते हैं, बहुत सारे मेथड्स आप सीखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। वर्तमान भारतीय समाज में स्टैटिक पोर्शन होता है, ऐसा कुछ आपको ज़्यादा होता नहीं है उसमें, ठीक। तो ये आपका CDP हो गया। उसके बाद आती हूँ मैं मैथमेटिक्स पर। तो मैथमेटिक्स में मैंने दोनों ही पेपर को बहुत ही अच्छे से रीड किया, उसके बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि सबसे पहले मुझे आपको मैथमेटिक्स पढ़ानी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि मैथमेटिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप टाइम के साथ करेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। अगर आप जल्दबाजी में सोचेंगे कि हम मैथमेटिक्स को सीख लें तो बहुत टाइम लग सकता है। मैथमेटिक्स आपका प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। मैं भी एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसने कंप्यूटर साइंस से BTech किया है, उसके बाद डाइट से DLED किया हुआ है, तो मैं भी एक अलग बैकग्राउंड से थी। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो BA करके आ रहे होंगे, ऑल्दो वो कितनी मेहनत करके BA करके आए, सबको पता है कि उनका सब्जेक्ट कितना ज़्यादा टफ होता है। इवन मैं मानती हूँ कि BTech से ज़्यादा टफ मुझे BA वाले सब्जेक्ट्स लगते हैं, बिकॉज वो बहुत मेहनत करके आते हैं, बट उनका मैथमेटिक्स नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं सारे बच्चों को साथ में लेकर चलना है ताकि वो भी इस प्रोसेस में जो है अपना पूरा पार्टिसिपेशन दिखा पाएँ। तो उनके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ाऊँ, और मैंने डिसाइड किया कि मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगी। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आपका सुपर टेट की परीक्षा में जो बनेगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उससे बाहर होगा। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैं क्लियर कराऊंगी, ये मैं गारंटी आपको देती हूँ, यहाँ पर आश्वासन देती हूँ आपको इस बात का। सारी चीज़ें मैं आपको बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगी। तो ये रहा आपका जो है मैथमेटिक्स का, बिकॉज मैथमेटिक्स आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और आप सभी को पता है कि सुपर टेट की वैकेंसी एक बार आ गई तो आपको जो समय है ना वो बहुत ही कम दिया जाएगा, ये आप बिल्कुल मान के चलिए, बहुत कम समय आपके पास रहेगा। तो आपके पास जो भी समय है वो यही वाला ड्यूरेशन है, तो इसी ड्यूरेशन में आप लोग मेहनत कर लीजिए। यकीनन आपको मैं कह सकती हूँ कि 2023 में आपके पास नौकरी होगी, ये आप बिल्कुल तय मान के चलिए। उसके बाद हम आते हैं GS पर। तो GS में आपको सबसे पहले आपको हिस्ट्री में मैं मॉडर्न पढ़ाऊंगी, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री ही आपका मेंशन किया गया है सिलेबस में। उसके बाद हम जो है पढ़ेंगे इकोनॉमी, जियोग्राफी, और हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में जो आपके ऐसे टॉपिक हैं जो ट्रिक से पढ़ाने चाहिए मुझे, जैसे आपके संविधान में कितने भाग हैं, संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने अनुच्छेद हैं, तो ये सारी चीज़ें, संविधान संशोधन आपके, इनको याद करना हल्का सा हैक्टिक होता है, तो वही सब चीज़ें मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगी, बोर्ड पर आपकी पढ़ाऊंगी। बाकी चीज़ें जो हैं आपको मैं उसको मैनेज कर लूँगी, डोवरी।
उसके बाद कंप्यूटर आता है, क्योंकि कंप्यूटर 5 मार्क्स का आता है, तो वो आपको पता ही है कि मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो कंप्यूटर में आपको बेहतरीन तरीके से कम 7 से 8 या 9 लेक्चर में आपको आराम से करवा दूंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक भी क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का मेरे से पढ़ाए गए क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, ये भी आपको मैं आश्वासन देती हूँ। और उसके बाद आता है करंट अफेयर्स, जो कि आपको खुद से तैयार करना है, बिकॉज करंट अफेयर्स मैं नहीं पढ़ाऊंगी। उसका रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि जब करंट अफेयर्स डेली डेली देना होता है तो बाकी के वीडियोस जो हैं उनमें प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं। आप सभी को पता है कि मैं भी बहुत सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, इस वजह से उतना हो नहीं पाता है। सिंस मैं बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति जो है मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा मुझे लगाव है, और बहुत ज़्यादा मैं उस चीज़ के प्रति मैं कह सकती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो काम इतना आप नहीं डील कर सकते हैं अभी इस टाइम पर। सो अभी मैं आपके लिए इतना ही करने वाली हूँ, और जल्दी ही आपको मैं कहूँगी कि नेक्स्ट डे आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं सुपरटेट से रिलेटेड। सो प्लीज़ बी कंटिन्यू, एंड आप सभी से मैं आशा करती हूँ और रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आप सभी से कि ये जो समय है आप मुझे कुछ दिन के लिए दे दीजिए अपना, और यकीनन मैं आपको इस एग्ज़ाम में जो है एक अच्छे मार्क्स दिलवाऊंगी, और साथ ही साथ मैं आपको एक अच्छा टीचर बनने में भी हेल्प कर सकती हूँ। क्योंकि एक टीचर वही होता है जो हर एक स्टूडेंट को साथ में लेकर चले, और मैं एक टीचर नहीं, मैं एक लर्नर हूँ, मैं यही कहूँगी। और मेरी यही तहे दिल से इच्छा है कि आप लोग बस थोड़ा सा अपना जो समय है वो मुझे दे दीजिए कुछ महीनों का। इन कुछ महीनों में मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी, और यकीनन आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन होगा। सो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड अपने आप बिल्कुल ध्यान रखिए स्वास्थ्य का। और अब तो कंटिन्यूअसली हम सभी की मुलाकात होगी ही, सो बाय बाय, टेक केयर।